नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज हम आपको रीवा विधानसभा निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। रीवा विधानसभा निर्वाचन के लिए तैनात नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में क्या बड़ा खास हुआ, ये आइए जानते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने कार्यों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के साथ यथासंभव अच्छी तरह से समझें और अनुसरण करें। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए तैयारियों को महत्वपूर्ण बताया और उनसे निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने की सख्त जरूरत को समझाया। प्रतिभा पाल ने नोडल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनके अनुसार काम करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों के तैनाती के आदेश निर्वाचन कार्यालय से जारी करें और उन्हें भलीभांति प्रशिक्षण दें। इसके अलावा कलेक्टर ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे विधानसभा निर्वाचन के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करके उनकी सुविधाओं को सत्यापन किया जाए और सभी मतदान केंद्रों में पक्के रैंप का निर्माण कराया जाए। चुनाव कार्य के लिए प्रयुक्त वाहनों की अनुमानित संख्या एवं रूट चार्ट का भी निर्धारण किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए मतदान व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी और दिव्यांग कर्मचारियों को संचालित पोलिंग बूथ और पिंक पोलिंग बूथ में तैनात किया जाएगा। चुनाव के प्रशिक्षण की समय सारणी भी तैयार की गई है और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव का प्रशिक्षण संपन्न कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग दल तैनात किए जाएंगे और मतदान दिवस में प्रत्येक टीम को 300 से अधिक मतदान केंद्रों से संपर्क करने और डेटा संकलित करने का काम किया जाएगा। कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचन की समीक्षा बैठक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की भी मांग की है कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। शिकायतों के निराकरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी विधानसभावार शिकायत पंजी संधारित कर उसमें नियमित रूप से प्राप्त शिकायतें दर्ज करें और उनके समय सीमा में निराकरण की व्यवस्था करें। इस बैठक के माध्यम से रीवा विधानसभा निर्वाचन के लिए तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश और कार्रवाई की गई है, जिन्हें अच्छी तरह से पालन किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन चुनाव में अच्छे से भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बड़े महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हम सभी का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है ताकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम हो सके। आज निर्वाचन को लेकर के चूंकि अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसलिए सभी नोडल अधिकारियों की बैठक आज चली है और उसमें दो विषयों पर डिस्कशन किया गया है। नंबर एक की ऐसे सभी नोडल अधिकारी जिन्हें इलेक्शन का दायित्व सौंपा गया है, वो अपने से संबंधित जितने भी सर्कुलर्स हैं, कमीशन के दिशा निर्देश हैं, उनको भले भांति पढ़ लें, अपनी टीम तैयार कर लें और उनको क्या क्या काम करने हैं इस पर अपना ध्यान दे लें। इसका चूंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा व्यापक तैयारियां उसमें हम लोगों को लगती हैं, तो ये आवश्यक है, चाहे वो ईवीएम का मैनेजमेंट हो, मतदान केंद्रों की तैयारियां हो, स्वीप से रिलेटेड गतिविधियां हो, एएमएफ जो मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित किया जाना है, आने वाले समय में जो नामांकन पत्र लिए जाने हैं और आगे काउंटिंग और इन सभी को, सभी व्यवस्थाओं को लेकर के डेडिकेटेड नोडल अधिकारियों की नियुक्ति इसीलिए की गई है ताकि समय रहते निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों को प्रायोरिटी पर किया जा सके। इसके साथ ही हम लोगों ने आज फाइनली स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में रहेगा और वहां सभी आठों विधानसभाओं के लिए, जिसमें रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की विधानसभाओं के जो स्ट्रांग रूम है वो वहां पर रहेंगे। साथ ही वहीं से जो सामग्री वितरण और कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी उसी जगह से संचालित होगा, तो उसकी भी आज प्राथमिक तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और पीडब्ल्यूडी को वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कार्य करने हैं वो भी उन्होंने शुरू कर दिए। और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा बैठक करना है, इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हालांकि इस समय एक हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं उनकी जो तैयारियां हैं, चाहे मतदान केंद्रों में रैंप की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या फर्नीचर की व्यवस्था हो, पीने के पानी की क्या उपलब्धता है, किस प्रकार के शौचालय हैं, शौचालयों की फंक्शनल होने की क्या स्थिति है, इन सभी को लेकर के लगातार फील्ड में सभी सेक्टर ऑफिसर्स की टीम्स जा रही हैं और सभी जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, जो भी एईआरओ और ईआरओ हैं, वो भी लगातार अपने अपने मतदान केंद्रों का विजिट कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत तो क्षेत्र में ग्राम पंचायतें और नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायतें और नगर निगम को यह दायित्व सौंपा गया है कि मतदान केंद्रों में जो सुविधाएं हैं वो सर्व सुलभ रहें और जिसमें आगे आने वाले समय मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।